अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश होंगे और हम भी खुश हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला सबको खुशी रखे अपने अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। हाँ जी, तो आप चाहे ज़िंदगी में जितना भी काम कर लें, लेकिन जो आपके बच्चे हैं उनको एक टाइम देना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको पढ़ाई के साथ साथ, उनके खाना पीना के साथ साथ एक इंटरटेनमेंट जो है वो आपसे ज़रूर मांगते हैं। तो मैं ऐसी मदर हूँ जो हर हाल में कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को स्टडी के बाद जो है उनको इंटरटेनमेंट खुद से ही दे दूँ और उनके साथ बराबर शरीक हो जाती हूँ। मतलब कि उनसे पूछती हूँ कि आज स्कूल में क्या एक्टिविटी हुई है, तो वो बताते हैं बहुत खुशी से इस पोइम पे, इस म्यूज़िक पीरियड में या म्यूज़िक क्लास हमारी ये हुई है। तो बहुत खुशी से जब वो बता रहे थे, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। और साथ साथ मैं क्योंकि खुद पार्टिसिपेट फिर उसको करती रहती हूँ और उनके साथ साथ ही हल्ला गुल्ला कर रही होती हूँ ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। छोटे की एक्साइटमेंट तो सबसे ज़्यादा आगे थी, उसके तो स्टेप नहीं मुझे से देखे जाते जैसे वो स्टेप कर रहा था। और म्यूज़िक के साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी लहर करंट था जो नज़र आ रहा था और वो उसकी इतनी एक्साइटमेंट थी। तो बहुत खुशियाँ होती हैं ये सब देखकर, एक छोटी छोटी खुशियाँ जो आप ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ, यही वो टाइम होता है जो आप देते हैं और इंजॉय करते हैं। करना चाहिए, सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं समझना चाहिए। हाँ जी, तो बस यहाँ से फारिग होकर सेकेंड डे था, आज हमें फिर शॉपिंग के लिए जाना था। तो जिस तरह हम पहले दिन में बताया था, पहले दिन हम जब गए हैं तो सफ़ायर एम्पोरियम के अंदर बंद था तो वो हमारा रह गया, लेकिन सेकेंड डे जब हम गए तो फौरन पहले ही हम उसी के अंदर गए। तो काफ़ी पसंद आ रहे थे हमें कपड़े उसमें, देखते ही कि बहुत अच्छे कपड़े हैं इसके, फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह। मैन के देवर ने भी कपड़े लेने थे तो सो हम उनके भी सारे वो देख रहे थे, बहुत कलर्स प्यारे थे। तो उसकी तरफ भी हम गए, हमने वो सारे कपड़े देखे, खरीदे और स्टिच में बहुत अच्छे रीज़नेबल आपको मिल रहे थे, महंगे नहीं हैं, 5,000-6,000 की रेंज में, 8,000 तक आपको बहुत एक अच्छा मुनासिब सिलवा सूट मिल जाता अच्छी कॉटन में। तो अनस्टिच जो था वो भी 4,000-5,000 में था, बहुत अच्छे कलर और आगे कैंप्रिक थी या कॉटन मोटी की थी, वो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल रही थी। तो ये काफ़ी अच्छा सूट था, लेकिन इसके साथ जो था वो दुपट्टा नहीं था और गाउन स्टाइल में बना हुआ था। स्टाइलों पे जो था वो गुस्सा, क्योंकि एक छोटा सा फंक्शन था तो हम उसके लिए कोई हील वगैरह नहीं लेना चाह रहे थे कि हाइट वगैरह जो है वो उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ऐसा नहीं था। फंक्शन जो था वो हल्का सा था और हमारी ब्राइड की हाइट भी जो है वो बहुत अच्छी है, उस हिसाब से फिर हमने गुस्सा ही पसंद किया हमने। अच्छा था, 3,000 तक हमें मिल गया था, अच्छे प्राइस थे सबके। बच्चे तो जी जहाँ भी हों बस खुद को कहते हैं हमें आज़ाद छोड़ दें ताकि हम जो हैं अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्ज़ी खेलें और इंजॉय करें, मना करें कोई है कोई माई का लाल जो उनको मना कर सके। हाँ जी, जिम्मीज़ पिज़्ज़ा मज़े का था, बहुत मज़े का, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था।
वापसी पे हमने जो था वो शर्ट एंड टाई की शॉप पर भी हमने देखे लड़के के कपड़े, तो बस साइज़ का मसला हो रहा था, साइज़ नहीं मिल रहा था। साथ में हमें जो चाहिए था कलर स्किन सा वो नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़रा इसके लिए भी घूमना पड़ा। काफ़ी हमने देखा कपड़ा, या ट्राउज़र था, हम शलवार चाह रहे थे लड़के की भी, तो इस वजह से काफ़ी हमने घूमा फिरा। ये देख लीजिए, तो यूनिवर्ट के कपड़े जो हैं वो ज़रा काफ़ी अच्छे होते हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। तो बस जी यहाँ से निकले, तो वापसी पे हमने ज़रा हॉल भी देखना था कि कौन सा हॉल है जो जो पसंद हैं उनमें से सबको ही जो हमें फौरी तौर पर मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हॉल होते हैं काफ़ी रश होता है और लोग जो डेट रखते हैं वो दो दो चार चार माह जो पहले होता है हॉल की बुकिंग वगैरह करवा लेते हैं, क्योंकि आपको पूरे टाइम पर बिल्कुल भी हॉल ना मिलने की तवक्का होती है। तो और वैसे भी ये सीज़न जो है सर्दियों का सीज़न जो है वो शादियों का ही होता है। हाँ जी, ये हमारी फाइनली शॉपिंग थी, ये हमने लड़की का ड्रेस लिया था, और जी ये ड्रेस है एक, ये हमें 8-9 हज़ार में मिल गया था, और ये लिबर्टी से हमने एक छोटा सा सेट लिया था क्यूट सा, 4000 की रेंज में हमें मिल गया था या 5 में। और सूट जो था ये ड्रेसिंग ये 18 हज़ार में था, और ये स्टाइलर से छोटा सा बैग, और ये बोनैन्जा से एक सूट 9 हज़ार में कॉटन का था, कैंब्रिक का, इसी सीज़न में पहनने के लिए। और ज़्यादा नहीं, बस एक परफ्यूम, एक हुस्सा, एक तो ये सूट थे 2-3, तो बस इसके ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं की थी, मंगनी की यही चीज़ें थी। उम्मीद है जी आपको पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, और बस ये हम उस लड़की को देने जा रहे थे, और बस अंधेरा था इस वजह से ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा। तो रात के वक्त हम गए बहरिया टाउन की तरफ, बस उनकी सोसाइटी थी, तो रात को हम जब गए हैं तो हाँ जी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ रहें, ताकि आइंदा आने वाली जो सारी वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहें और आप उनको देख सकें, और मुझे भी गाइड करें मज़ीद मैं अपनी शॉपिंग को कैसे बेहतर कर सकती हूं, बना सकती हूं, और शादी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जी तो हम जा रहे हैं लड़की के घर के अंदर, और आपको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।